मरने से नहीं डरते ये वीर सैनिक। सेना में सबसे जाबाज माने जाते हैं ये वीर। हर हालात में लड़ने को तैयार रहते हैं ये। इनकी बहादुरी के किस्से हैं अमर। भारतीय सेना का हर सैनिक जाबाज होता है, लेकिन ये कैसे सैनिक हैं जिन्हें सबसे जाबाज माना जाता है। मौत सामने खड़ी हो तो ये उससे भी दो दो हाथ करने को बेताब रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मरने से डर नहीं लगता, हालात कैसे भी हो ये हर समय लड़ने को तैयार रहते हैं। बहादुरी ऐसी कि ब्रिटिश सेना ने भी इन्हें अपनी सेना में जगह दी है। भारत की सेना के तो ये जवान शान है। हम बात कर रहे हैं गोरखा सैनिकों की। इनके बारे में भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैन मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो मरने से डरता नहीं तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। मानेकशॉ की ये बात भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट सच साबित करती है। 24 अप्रैल 1815 को ब्रिटिश द्वारा इस रेजिमेंट की नींव रखी गई थी। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के बारे में माना जाता है कि ये सेना की सबसे जाबाज इकाई है। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिक आजादी के समय ब्रिटिश और नेपाल के राजा के द्वारा किए गए समझौते के आधार पर काम करते हैं। ये सैनिक नेपाल, भारत और ब्रिटेन की सेनाओं में काम करते हैं। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं बल्कि नेपाल में एक जिला गोरखा है जो अपने योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरंग, राय, मागर और लिंबू आदि जातियों से की जाती है। ब्रिटिश सेना भी ऐसे ही इनकी भर्ती करती है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखा प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं। गोरखा सैनिकों को उनके आक्रमण करने की आक्रामक शैली के लिए जाना जाता है। ये मजबूत, फुर्तीले, सुव्यवस्थित, आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण, वफादारी और साहस से भरे होते हैं। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था तब पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से नेपाल के 2,00,000 गोरखा सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दी थी और आज भी प्रथम विश्व युद्ध में उनकी बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं। हालांकि पहले विश्व युद्ध के समय करीब 20,000 गोरखा सैनिक मारे गए थे। गोरखाओं की बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1857 से ही अपनी सेना में गोरखा सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था क्योंकि उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुबंध पर काम करते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन, भारत, नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा रही। 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। आजादी के बाद 7वीं गोरखा राइफल्स और 10वीं गोरखा राइफल्स के सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए 7वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। इस समय भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट है और इन 7 रेजिमेंट की 39 बटालियन देश सेवा कर रही है। इनमें से 6 रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना से भारतीय सेना में शामिल की गई थी जबकि 7वीं रेजिमेंट को आजादी के बाद बनाया गया था। गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबा नुकीला धारदार हथियार खुखरी और तिरछा हेडगियर है। ये सैनिक खुखरी को अपने निजी हथियारों के रूप में अपने साथ रखते हैं। गोरखा रेजिमेंट का रेजिमेंटल चिन्ह भी खुखरी है। ऐसा कहा जाता है कि एक गोरखा जब अपनी खुखरी निकाल लेता है तो वो दुश्मन का खून बहाए बिना म्यान में नहीं जाती। जय महाकाली, आयो गोरखाली की युद्ध नाद कर ये दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। इन सैनिकों का नारा कायर होने से तो मरना अच्छा है और इस नारे के साथ ही ये दुश्मन सेना का काल बन जाते हैं। भारतीय सेना को गोरखा रेजिमेंट ने दो फील्ड मार्शल भी दिए हैं। सैम मानेकशॉ और जनरल दलबीर सिंह सुहाग गोरखा रेजिमेंट से ही हैं। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में दुश्मन सेना को अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया था। युद्धों में अपने साहस और शौर्य से दुश्मन को पस्त करने वाले इन सैनिकों को अब तक 11 वीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। गोरखा सैनिकों के अदम्य साहस से प्रभावित होकर
इंग्लैंड के रक्षा मंत्रालय के बाहर एक गोरखा की मूर्ति स्थापित की गई है। केवल दुश्मन को पस्त करने के लिए ही गोरखा सैनिक नहीं जाने जाते, ये शांति मिशन के लिए भी जाने जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लेबनान और सियरा लियोन में भी भेजा जा चुका है। सियाचिन के ऑपरेशन मेघदूत में भी भारतीय सेना के रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता दिखाई थी। हर साल करीब 1200 से 1300 नेपाली गोरखे भारतीय सेना में शामिल होते हैं। भारतीय सेना में समय 120,000 गोरखा सैनिक हैं, जो भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं।